एक चौराहे पर अपने हाथ से ही कवि को फांसी दूंगा। और सिपाही उसे कहा कि इसको ले जाओ और इसको जेल में डाल दो। सिपाही लोग उसको जेल में डाल दिए और वो बेचारा कोठरी में केवल टहलता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा तो लगता नहीं लेकिन हो भी सकता है, ऐसा तो लगता नहीं लेकिन हो भी सकता है। राजा सुबह जब उस कैदी को बुलाए कवि को, तो सिपाहियों से पूछा कि भाई रात क्या करता रहा? कहे हुजूर रात भर जागता रहा और यही कहता रहा कि ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो राजा ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कहते थे? कहे हुजूर हमारे जन्म कुंडली में लिखा है कि तुम्हारी मौत एक हिजड़े के हाथ होगी। तो मैं रात भर ये ऐसा लगता तो नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो मतलब आप इतने अच्छे श्रोता है, लगता तो नहीं लेकिन हो। हम कविता पढ़ते पढ़ते 70 वर्ष हो गया।